हे एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज आज मैं सिखाऊंगी आपको कैसे फेशियल हेयर रिमूव करते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए आई एम यूजिंग दिस टिंकल आईब्रो रेज़र दिस आईब्रो रेज़र रिमूव्स फाइन हेयर्स ऑफ योर आईब्रो नेक एंड फेस इसको बहुत ज़्यादा आराम से यूज़ कर सकते हैं इवन द बिगिनर्स हु आर ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कैन यूज़ दिस ट्राई दिस ब्रांड इट इज़ वेरी अमेजिंग मैं हमेशा ही स्टॉक में रखती हूँ सो दीज आर दी ब्लेड्स विच इज़ यूज एंड इसको आराम से मतलब वन ब्लेड यू कैन यूज़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स एंड इट इज़ वेरी सेफ इट इज़ ईज़ी टू यूज़ और इसके लिए आपको एक एलोवेरा जेल की ज़रूरत है बिफोर आई यूज टू यूज़ पतंजलि जेल एंड आई एम डूइंग फेस रेजिंग फ्राम सेवन ईयर्स ऑलमोस्ट और सिक्स सेवन ईयर्स येस एंड इसके लिए मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूँगी यू कैन यूज एनी एलोवेरा जेल कोई भी ब्रांड का चलेगा बट यू नीड एनी काइंड ऑफ जेल इवन ऑरेंज जेल पोमोग्रेनेट जेल कोई भी जेल चलेगा बट टुडे आई एम जस्ट यूजिंग द बॉडी शॉप सॉरी द फेस शॉप जेल एंड यू नीड अ रेजर यू नीड अ टिश्यू विथ यू एंड इसको आराम से ऊपर की तरफ से नीचे करेंगे आप शेव डोंट गो ऑन दी ऑपोजिट डिरेक्शन इसको सिर्फ नीचे की तरफ ही करना है आपको एंड कैन यू सी मैं कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही हूँ कुछ नहीं आराम से कर रही हूँ एंड ऑल कैन ऑलरेडी सी दैट जिस तरफ मैं शेव कर रही हूँ इट इज़ चेंज द कलर कैन ऑल सी बिकॉज ऑफ द फेशियल हेयर ना स्किन थोड़ी सी डार्क लगती है पर जैसे ही फेशियल हेयर निकल जाता है स्किन लुक्स ब्राइटर एक स्किन एक टोन या दो टोन ब्राइटर लगेगा आपका स्किन जस्ट लाइक दैट एक्चुअली आई वॉज शूटिंग अ वीडियो फॉर माई डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही उसके पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव हेयर ऑन माई फेस एंड सडनली आई रियलाइज़ के चलो इसके ऊपर ही वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे So, this is how I remove my facial hair, and I am just showing you the process kaise karna hai isko, and how you can start, why you need to shave. Mm, it's all going to be a very simple process, and, and just reminding you to be careful if you're doing it for the first time. If you're not fond of face waxing, then this is the best thing to do. I mean, this video is just for you. मैंने सिर्फ एक बार कराया था फेस वैक्सिंग आई रिमेंबर दैट वाज इयर्स अगो एंड ओ माय गॉड आई मीन आई हैड सो मच ऑफ पेन इतना सारा रेडनेस हो गया था उसकी वजह से आई गॉट सो मेनी पिंपल्स रैशेस एंड इट टुक आराम से एक महीना टू यू नो रिकवर माय स्किन वापस से बट आफ्टर यूजिंग द रेजर्स आई एम सो सैटिस्फाइड मतलब जब मन करे आई कैन डू बट ऑबियसली नॉट मतलब महीने में एक या दो बार यू कैन डू एंड दैट्स मोर देन एनअफ़ उससे ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है एक्चुअली इफ यू डूइंग इट इवन वंस इट्स मोर देन एनअफ महीने में एक बार करो तो भी बस है बट जस्ट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन जैसे मुझे वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं तो आई नीड टू कीप माई फेस क्लीन तो उसके लिए मैं दो बार करती हूँ बाकी आईब्रोज एंड माई अपर लिप आई रिमूव इट वीकली वंस एंड आप लोग देख ही सकते हो मैंने इतने ईजीली सारा फेशियल है निकाल दिया आई एम जस्ट रिमूविंग द फोहेड के पास अभी बिकॉज मुझे इतनी ग्रोथ एक्चुअली सिर्फ uh, चीक्स के पास होती है नो एल्स आई हैव मच ग्रोथ ऑन माई फेस बट फिर बी टू कीप इट दैट रियल क्लीन वाला स्किन आई नीड टू शेव आई शेव होल ऑफ माई फेस इंक्लूडिंग माई चिन चीक्स अराउंड माई नोज अपर लिप आईब्रो

they are enjoying it and वो मुझे वापस comment करके बोलते हैं कि the this is so helpful we are loving it आप कभी try करना if you have your hair on the face and then you do a makeup जाने दो makeup को जाने दो just apply a compact see how does it feel on your face I mean वो अजीब से बाल के ऊपर ही खड़ा रहेगा सब कुछ and mm, no that's not at all good it doesn't sound great just try once फेस को शेव करो एंड देन अप्लाई वट एवर यू फील लाइक ऑन योर फेस एंड एवरी थिंग इज गॉन अर लुक सो फ्लॉलेस आई मीन योर स्किन इट्स सेल्फ इ लुक सो क्लीन एंड नाउ माई डॉटर इज ऑल्सो ऑफ फिफ्टीन ईयर्स मैं उसके भी अपर लिप करती हूँ विद द सेम रेजर सो इट इज़ वेरी सेफ ऐसे कुछ भी नहीं ओबियसली आई विल शो यू विच इज़ अन और इट इज़ अबिट ऑल्सो डेंजरस ओब्वियसली नॉट मैं आप सब के लिए ही अच्छा सोचूंगी एंड ऑब्वियसली आई विल जस्ट शो यू दी थिंग्स व्हाट इज पॉसिबल एंड इज़ वेरी मच सेफ किसी ने पूछा था कि दी कैन बी यूज दीज रेजर्स इवन ऑन सेंसिटिव स्किन तो येस yes डियर आप हंड्रेड परसेंट यूज़ कर सकते हो देर इज़ नथिंग टू डू विद दिस फेशियल रेजर्स विद योर स्किन येस मैं समझती हूँ अगर आपकी स्किन एकदम से बहुत ज़्यादा नाजुक है तो इट कैन डैमेज और हर्ट यू बट नहीं होता है ऐसे मेरी खुद की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मतलब वेर एवर आई एम होल्डिंग कैन यू सी दट रेडनेस मैं जहाँ पे भी आई कीप माई फिंगर फॉर इवन फाइव सेवन सेकेंड्स ना मैं उधर उधर से रेड हो जाती हूँ सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि माई स्किन इट सेल्फ इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सेंसिटिव जब मैं यूज़ कर सकती हूँ तो आप लोग यार बिंदास होकर यूज़ करो देर इज़ नो 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 एब्सोल्यूटली देर इज़ नो प्रॉब्लम इन यूजिंग दीज रेजर्स दीज रेज़र्स आर अवेलेबल ऑन एमजॉन फ्लिपकार्ट एनी ऑफ योर बैंगल स्टोर्स कहीं पर भी मिल जाएगा आपको आई थिंक इवन यू गेट इन मेडिकल दीज डेज तो ट्राई एंड यूज the रेजर्स आप डेफिनेटली comment करके बताना आफ्टर यूजिंग दी रेजर्स कि आपको कैसे लग रहा है एंड नाउ आफ्टर शेविंग योर फेस आपको सिर्फ ठंडे पानी से मुंह धोना है डोंट यूज एनी सोप और एनी फेस वॉश And, guys, if you're not watching my part 1, part 2, part 3 video, please go have a look. It is all about cleansing, toning, and the next one was about serum. And there are many more videos coming part by part. ये वाला तो मुझे ऐसे ही डालना था बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू ऑल दैट हाउ आई शेव माई फेस एंड बस उसके बाद आप पैट पैट करके फेस को ड्राई कीजिए देन जिस अप्लाई दी एलोवेरा जेल एंड लेट इट ड्राई इट विल गिव यू सच अ कूलिंग इफेक्ट एंड विल मॉइस्चराइज योर स्किन सो वेल गाइज यार आप मेरे वीडियोज़ देखते हो बट लाइक नहीं देते हो चलो अभी जल्दी से लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय बाय